असलम मैं इस चैनल पर एमेजोन एफ बी ए प्राइवेट लेबल और एमेजोन वी ए का कोर्स बनाकर बिल्कुल फ्री में आपको एमेजोन का काम सिखा रहा हूँ ये वीडियो उसी कोर्स का एक पार्ट है और अगर आप एमेजोन का कम्प्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो फुल कोर्स देखने के लिए आप इस चैनल पर फ्री एमेजोन कोर्स के नाम से प्ले लिस्ट को विजिट कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री एमेज कोर्स की प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा आप उसे भी विजिट कर सकते हैं हमारे इस वीडियो का टॉपिक है यूपीसी के रिलेटेड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता क्या है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को हम अमेज़ोन के ऊपर लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं अमेज़ोन के ऊपर जब भी हमने कोई नई लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है तो हमें यू की जरूरत पड़ती है जिसको यूज़ करते हुए हम अमेज़ोन पर अपनी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए हमें यू ज़रूरत पड़ती है और उसके साथ साथ हमें जब लिस्टिंग के अंदर मज़द वेरिएशन क्रिएट करनी होती हैं उसके लिए भी हमें यू की ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ पर आपको अमेजोन के ऊपर लेके चलता हूँ और वहाँ पर जाके आपको दिखाता हूँ लिस्टिंग और वेरिएशंस और वहाँ पर आपको जाके समझाता हूँ कि हमें यू की ज़रूरत किस किस जगह पर पड़ेगी तो ये हम अमेज़ोन के ऊपर आ गए जी अमेज़ो के ऊपर आने के बाद अगर यहाँ पर आप देखें तो मैंने यहाँ पर टॉवल्स को सर्च किया और टॉवल्स को सर्च करने के बाद हमारे सामने ये लिस्टिंग्स आ रही हैं तो इस लिस्टिंग के ऊपर इस पेज के ऊपर आप देखें कि हर एक लिस्टिंग जो यहाँ पे लिस्ट हुई हुई है हर एक लिस्टिंग को क्रिएट करने के लिए एक एक यू की जरूरत पड़ी है मतलब कि ये जो सेलर है इसने अपनी लिस्टिंग को यहाँ पर लिस्ट किया तो इस लिस्टिंग एक लिस्टिंग को क्रिएट करने के लिए एक यू की ज़रूरत पड़ी इसी तरह ये जो सेकंड सेलर है इसने जब इस लिस्टिंग को क्रिएट किया होगा तो इसे भी एक यू की ज़रूरत पड़ी होगी इसको लिस्ट करने के लिए इसी तरह ये जितने भी सेलर्स आपको शो हो रहे हैं इन सब सेलर्स ने अपनी अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करने के लिए यू यूज़ किया और फिर उस यू के साथ अपनी लिस्टिंग को क्रिएट किया यू के बगैर आप अपनी लिस्टिंग को क्रिएट नहीं कर सकते ठीक है पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया जी कि हर एक लिस्टिंग को क्रिएट करने के लिए आपको एक यू की ज़रूरत पड़ती है लेकिन अगर आपने इस एक लिस्टिंग के अंडर मज़ीद वेरिएशन क्रिएट करनी है तो आपको जितनी वेरिएशन क्रिएट करनी है आपको उतने यू पी सी की ज़रूरत पड़ेगी तो जिस तरह मेरे सामने मैं अभी आपके सामने जहाँ पे दो एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ वन बाई वन तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको यू पी सी की ज़रूरत पड़ती है वेरिएशन को क्रिएट करने के लिए लिस्टिंग वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया जी कि हर एक लिस्टिंग को क्रिएट करने के लिए एक यू पी सी की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर ये जो एक लिस्टिंग है इस लिस्टिंग के अंडर वेरिएशन हैं तो मैं इसकी लिस्टिंग की ओपन करता हूँ पेज को और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इस लिस्टिंग के पेज के ऊपर आने के बाद आप ये देखें कि इसने डिफ़रेंट वेरिएशन को लिस्ट किया हुआ यहाँ पे कि इस लिस्टिंग के अंडर डिफरेंट किस्म की वेरिएशन्स हैं जैसे कि यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 14, ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ये टोटल ट्वेंटी टू कलर्स की वेरिएशंस आपके सामने शो हो रही हैं इसका मतलब ये है कि ट्वेंटी टू क्रिएट करने के लिए इस सेलर ने ट्वेंटी टू डिफ़रेंट यू यूज़ किए होंगे इन लिस्टिंग इस लिस्टिंग को कम्प्लीट करने के लिए इन वेरिएशन को लिस्ट करने के लिए तो जितनी वेरिएशन आपको क्रिएट करनी होंगी उतने यू सी आपको ज़रूरत पड़ेंगे तो यहाँ पर 22 टू हैं कलर्स की तो इसका मतलब ये है कि कलर्स की सिर्फ़ और सिर्फ कलर्स की वेरिएशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर 22 टू यू यूज़ हुए हैं तो अगर तो आपकी सिंपल लिस्टिंग है मतलब कोई वेरिएशन नहीं है तो आपका एक यू लगेगा और आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी लेकिन अगर आपकी लिस्टिंग के अंडर मज़ीद वेरिएशन्स हैं तो जितनी वेरिएशन बनेंगी तो उतने ही आपको यू यूज़ करने पड़ेंगे अपने वेरिएशन को क्रिएट करने के लिए इसी तरह मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जैसे कि मैं आपको इस लिस्टिंग के ऊपर लेके आया तो इस लिस्टिंग के अंदर आप देखें कि यहाँ पर कलर्स की चार वेरिएशंस हैं तो इसका क्या मतलब है कि इस सेलर ने अपनी लिस्टिंग को कंप्लीट करने के लिए इन चार वेरिएशंस को क्रिएट करने के लिए चार यू यूज़ किए मतलब एक यू इस कलर की वेरिएशन के लिए एक इसके लिए एक ये वाइट के लिए और इसके बाद एक ग्रे के लिए ये सारी वेरिएशंस को कंप्लीट करने के लिए चार डिफरेंट यू यूज़ किए यहाँ पर इसने इस सेलर इस ने तो ये आपको कन्सेप्ट क्लियर हो गया जी कि यू हम किस तरह से यूज़ करते हैं हर एक लिस्टिंग को क्रिएट करने के लिए एक यू की ज़रूरत होती है और अगर लिस्टिंग के अंडर आपको मज़ीद वेरिएशन क्रिएट करनी है तो कलर की वेरिएशन और साइज़ की वेरिएशन हो जो जितनी भी वेरिएशन हैं जितनी भी वेरिएशन बनती होंगी हर एक वेरिएशन के लिए आपको एक यू की ज़रूरत पड़ेगी और जितनी वेरिएशन आप क्रिएट करते जाएंगे उतने यू आपको चाहिए होंगे उन वेरिएशन को क्रिएट करने के लिए तो यू बेसिकली होता क्या है यू एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है ट्वेल्व डिजिट्स का कोड होता है जो कि हम लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए डालते हैं और वो स्पेसिफ़िक एक ए, लिस्टिंग के लिए होता है उसके अलावा वो उसके बाद में जब एक दफ़ा यूज़ हो जाए तो उसके बाद उसको दोबारा किसी और लिस्टिंग के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता इसी तरह ई एन नंबर यूरोपियन आर्टिकल नंबर ये थर्टीन डिजिट्स का कोड होता है तो ये भी हम लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं लेकिन जो हम यूज़ करते हैं लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए वो यू होता है तो मैं आपको यू के बारे में ही बताऊँगा सब कुछ तो जब हम यू पी परचेज़ करते हैं तो हमें यू और ई इ... ए एन नंबर ये दोनों मिलते हैं हमें ये दोनों हमें एक ही परचेज़ के अंदर मिल जाते हैं तो लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं यूपीसी तो यहाँ पर मैं आपको यूपीसी के बारे में ही बार बार बताऊँगा यूपीसी का नाम ही लूँगा बार बार तो यू के साथ ही आपको लिस्टिंग क्रिएट करना सिखाऊंगा तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जी कि हाउ टू परचेज़ यू हमने यू पी परचेज़ किस तरह करना है यू पी सी कहाँ से लेना है हमने जो हमने अपनी लिस्टिंग के अंदर यू को यूज़ करना है वो हमने बेसिकली परचेज़ करना कहाँ से है तो यू पी परचेज़ करने के लिए हमारे पास दो वेबसाइट्स हैं जी मतलब जी एस वन डॉट ओ आर जी और सेकेंड वेबसाइट है नेशन वाइड बार कोड नेशन वाइड बार कोड डॉट कॉम ये दो वेबसाइट्स हैं इन दो वेबसाइट्स के ऊपर से जा आप अपने यू जो है वो परचेज़ कर सकते हैं मैं यू पी परचेज़ करने के लिए जो वेबसाइट यूज़ करता हूँ वो ये सेकंड वाली है नेशन वाइड बार कोड मैं इस वेबसाइट को यूज़ करता हूँ यू पी परचेज करने के लिए जी एस वन जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी वेबसाइट है बहुत ज़्यादा महंगे बार होते हैं इसके ऊपर और जो नेशन वाइड बार है ये वाली जो वेबसाइट है इसके ऊपर सस्ते आपको बार मिल जाते हैं बेसिकली ये जो जी एस वन नेशन वाइड ये है एक ही चीज़ नेशन वाइड भी जी एस वन के साथ ही लिंक है लेकिन यहाँ पर आपको नेशन वाइड के ऊपर आपको सस्ते बार कोड मिल जाते हैं जिस जी एस वन के ऊपर महंगे होते हैं और ये दो वेबसाइट्स ही हैं जिनको अमेजोन एक्सेप्ट करता है सिर्फ़ इन दो वेबसाइट के बार कोड्स को अमेज़ॉन एक्सेप्ट करता है इसके अलावा आप कहीं से बार कोड परचेज करेंगे अमेजान उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा इसलिए आपने जब भी परचेज़ करना है आपने इन दो वेबसाइट से ही परचेज करना है लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ नेशन वाइड बार कोड इस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा क्योंकि मैं ख़ुद भी यही यूज़ करता हूं इसी के ऊपर से बार कोर्स परचेज़ करता हूं तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको इसी के ऊपर से बार कोड परचेज़ करना दिखाऊंगा और आपको एक बार कोड परचेज़ करके आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से बार कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं तो इन दोनों वेबसाइट्स के ऊपर जाकर मैं आपको बार कोर्स के बारे में डिटेल्स वगैरह देता हूँ तो यहाँ पर हम ये GS1 जी एस वन वेबसाइट के ऊपर आ गए जी जी एस वन वेबसाइट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपने ये जो पार्ट है यू पी सीज वाला इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने गेट अ आप आर कोड के ऊपर क्लिक करना है तो जैसे ही आप गेट अ आर कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे इस पेज के ऊपर आने के बाद आप स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपके सामने ये प्राइसिस वगैरह आ रही हैं इन प्राइसिस के ऊपर आप देखेंगे कि ये आपको टेन बार कोड्स दे रहा है टू फिफ़्टी डॉलर के और उसके बाद एनुअल रिन्यूअल फ़ी है इसकी फ़िफ्टी डॉलर मतलब कि आपको इनिशियल पेमेंट करनी पड़ेगी टू फिफ्टी डॉलर की तो आपको ये बार कोर्ड्स मिल जाएंगे और उसके बाद आपको हर साल पचास डॉलर पे करने हैं इन बार कोर्स को रिन्यू करने के लिए और अब मैं आपको प्राइसेस वगैरह दिखाता हूँ नेशन वाइड बार कोड के ऊपर जाके जिस नेशन वाइड बार कोड के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर देखें कि आपको ये ऑर्डर बार कोर्स का ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पर आप इस ऑर्डर बार कोर्स के ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप ये ऑर्डर बार कोर्स के पेज के ऊपर आ जाएंगे इस ऑर्डर बार कोर्ड्स के ऊपर पेज के ऊपर आने के बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पर प्राइसेस वगैरह शो हो रही होंगी तो प्राइसेस के अंदर आप देखेंगे कि वन यू जो आपको यहाँ पर मिल रहा है वो मिल रहा है जी ट्वें ट्वेल्व डॉलर का और उसके अलावा जो फाइव यू मिल रहे हैं वो सेवन और टोटल प्राइस बनती है थर्टी डॉलर और यहाँ पर जो टेन यू आपको मिल रहे हैं फोर डॉलर का आपको एक यू पड़ेगा और फोर्टी डॉलर के आपको ये टेन यू पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं एक डिफरेंस बताता चलूँ कि यहाँ पर आप देखें कि 10 यू आपको 42.50 के पड़ रहे हैं और जी एस वन के ऊपर आपको 10 यू जो थे 10 बार कोर्स आपको 250 डॉलर के पड़ रहे थे और जबकि उसके साथ साथ आपको 50 डॉलर की एनुअल रिन्यूअल फ़ी भी पे करनी पड़नी थी हर साल आपको 50 डॉलर पे करने थे इन बारकोड्स को रिन्यू करने के लिए जबकि अगर हम नेशन वाइड के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर 10 यू पी परचेज करने की 42.50 डॉलर फ़ी शो हो रही है और इसके साथ साथ हमें कोई एनुअल रिन्यूअल फ़ी पे नहीं करनी हमें से वन टाइम फ़ी पे करनी है और उसके बाद हम अपने यू को जब चाहे यूज़ करें और जितना अच्छा चाहे यूज़ करते रहें तो हमें कोई किसी किस्म की रिन्यूअल फ़ी पे नहीं करनी तो इसलिए मैं ये नेशन वाइड बार कोर्स जो है इस वेबसाइट को यूज़ करता हूँ अपने बार कोर्स वगैरह परचेज़ करने के लिए और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँगा कि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे थर्टी परसेंट ऑफ यहाँ पे सेल मिल रही है अगर मैं इस कूपन को प्रोमो थर्टी को यूज़ करूँ तो मुझे हर एक यू के ऊपर मतलब ये जितनी भी अमाउंट होगी उसके ऊपर मुझे थर्टी परसेंट का ऑफ़ मिल जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको एक यू भी परचेज़ करके दिखाऊंगा अभी और उसको परचेज़ करने के बाद मैं यहाँ पर प्रोमो कोड भी यूज़ करूँगा और थर्टी परसेंट जो है वो सेल ये ऑफ़ जो है ये भी अवेल करूँगा और फिर आपको सिखाता हूँ कि आपने यू पी यहाँ से परचेज़ किस तरह से करना है तो यहाँ पर आप देखें जी कि जो मैं जब यहाँ पर ऑर्डर बार के ऊपर आया था तो ऑर्डर बार कोर्स के ऊपर के पेज के ऊपर ही मुझे यहाँ पर ये डिटेल्स वगैरह मिली थी के, के जो भी यू पी सी हैं इनकी प्राइसेस वगैरह क्या हैं अगर आप मज़ीद स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जी कि आपको यहाँ से आप जो बार कोर्स हैं परचेज़ कर सकते हैं बार कोर्स परचेज़ करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है यहाँ पर आपको अपनी क्वांटिटी लिखनी है कि आपको कितने यू पी सी चाहिए एक चाहिए पाँच चाहिए दस चाहिए जितने भी आपको यू पी सी परचेज़ करने हैं वो यहाँ पर आप क्वांटिटी लिखेंगे उसके बाद जी आपने यहाँ पर पर्सनल और बिज़नेस नेम यहाँ पर आपने पर्सनल या बिजनेस नेम देना है तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पर जो भी आप नेम दें वो वाला नेम वही होना चाहिए जो कि आपने अमेज़ोन का अकाउंट बनाते वक्त यूज़ किया था जो भी बिज़नेस नेम जो भी नेम आपने अपना अमेजान के अकाउंट के ऊपर दिया हुआ है जो भी आपका अमेजोन के ऊपर आपके बिजनेस का नेम है ब्रांड का नेम है वही नेम आपने यहाँ पर यूज़ करना है अगर आपका नेम मैच नहीं होगा आपका जो नेम जो आपने यहाँ पर दिया ये वाला नेम और आपका जो नेम जो आपने ब्रांड नेम यूज़ किया वो अपने अमेजोन का अकाउंट क्रिएट वक करते वक्त अमेजोन के अकाउंट के ऊपर जो आपका ब्रांड नेम है अगर ये दोनों मैच नहीं होंगे तो अमेजोन आपके इस बार कोड को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो अब आपने यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि आप जहाँ पर जो नेम दें वही नेम दें जो आप जो कि आपने अमेजोन के ऊपर ब्रांड नेम दिया होगा जो आपने अमेजोन के ऊपर अपना बिजनेस नेम यूज़ किया होगा आपने सेम नेम देना है आपने इस इस बात का लाजमी ख्याल रखना है वरना आपका जो यू है वो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपको दोबारा से नया यू पी सी परचेज करना पड़ेगा यहाँ पर सेम नेम देने के साथ तो उसके बाद यहाँ पर नेम वाला पार्ट क्लियर हो गया जी कि यहाँ पर आपने जो नेम है वो सेम देना है और उसके बाद यहाँ पर आपने देना है जी ई एड्रेस ई एड्रेस आप कोई भी दे सकते हैं इसके अंदर कोई मसला नहीं है आप जो चाहे जो आपने अमेजोन के अंदर यूज़ किया वो दे दें दे या आप कोई नया ई एड्रेस जो भी आप देना चाहें यहाँ पर ई एड्रेस दे दें बेसिकली ई एड्रेस होता ये है कि जब आप यहाँ पर ई एड्रेस देते हैं तो आप जब परचेज़ करते हैं तो परचेज़ होने के बाद आपके ईमेल के अंदर लिंक आता है जिस लिंक के ऊपर से आप अपने जो यू वगैरह हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको शो भी हो रहा है ईमेल एड्रेस फॉर ऑर्डर ऑर्डर करने के लिए ईमेल एड्रेस जो देते हैं तो ऑर्डर करने के बाद आपको लिंक आएगा जिससे आप यूपीसी वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं तो उसके बाद आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस देने के बाद यहाँ पर चेक मार्क करना है और चेक मार्क इस तरह से चेक मार्क करेंगे और चेक मार्क करने के बाद यहाँ पर ऐड टू कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पार्ट पे चले जाएंगे जो कि पेमेंट का पार्ट होगा सारा प्रोसीजर होगा जहाँ पर हम यह ये वाला जो प्रोमो कोड है ये भी लगाएंगे तो मैं यहाँ पर ये यह जो इन्फॉर्मेशन है इसको फ़िल करता हूँ और फ़िल करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि ऐड टू कार्ड करने के बाद आपको किस तरह से पेमेंट वग़ैरह करनी है तो यहाँ पर आप देखें जी कि यहाँ पर जो मैंने आपको सारी डिटेल्स वग़ैरह अभी बताई तो यहाँ पर मैंने इन्फॉमेसन वग़ैरह जो है उसको ऐड किया और ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर मैंने यू पी सी वन लिखा मैं एक यू पी सी पर करने वाला हूँ उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने बिज़नेस का नेम दिया फिर ई मेल एड्रेस दिया ई मेल एड्रेस देने के बाद मैंने यहाँ पर चेक मार्क के ऊपर क्लिक किया और चेक मार्क के ऊपर क्लिक करने के बाद जो मैंने यहाँ पर एड टू कार्ट किया जैसे मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ड करता हूँ तो ऐड टू कार्ट करते साथ ही मुझे यहाँ पर एक पॉपअप शो हो जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पीछे क्वांटिटी शो हो रही है वन बिज़नेस नेम ईमेल एड्रेस सारी चीज़ें वही शो हो रही हैं उसके ऊपर एक पॉपअप आ गया है यहाँ पर आपको क्या मिलेगा जी यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिलती हैं जो भी आपने परचेजिंग वगैरह करनी है यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको अमाउंट शो हो रही है क्वान्टी वन अमाउंट ट्वेल्व डॉलर टोटल अमाउंट ट्वेल्व डॉलर यहाँ पर यू शो हो रही है ये यू लिखा हुआ है ट्वेल्व डॉलर की अमाउंट शो हो रही है अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया दिखाया था कि वन क्वांटिटी जो आपको परचेज़ करनी है वो आपको ट्वेल्व डॉलर का यू मिल रहा था तो उसके बाद आप इस पार्ट के ऊपर आएँ तो यहाँ पर आपको शिप टू कंट्री लिखा हुआ है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उस कंट्री के अंदर आप जो भी पोस्टल कोड वगैरह वो देंगे और यहाँ पर डिस्काउंट कोड जो आपको प्रोमो वगैरह यूज़ करना है वो यहाँ पर यूज़ करना है तो यहाँ पर शिप टू के अंदर मैं आपको दिखाऊँ कि शिप टू के लिए आपको जो यूज़ करना वो आप कोई भी कंट्री यूज़ कर सकते हैं जो भी मतलब आपका कंट्री है ज़रूरी नहीं है कि आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं वही आपने यूज़ करना है अगर आप पाकिस्तान से परचेज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें पोस्टल कोड पाकिस्तान के किसी भी शहर का पोस्टल कोड दे दें अगर आप यू में कर रहे हैं तो यू का यहाँ पर दे दें दे कंट्री और यहाँ पर पोस्टल कोड किसी भी सिटी का पोस्टल कोड दे दें तो ये कोई यू शिफ्ट टू कंट्री के अंदर कोई इसने यूपीसी आपके घर पे एड्रेस के ऊपर नहीं भेजने आपको उसके अंदर आएंगे आपकी ईमेल के अंदर तो ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है तो यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है कि जो भी आप एड्रेस देना चाहें जो भी आप कंट्री सेलेक्ट करना चाहें आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट कोड के ऊपर यहाँ पर प्रोमो कोड डालना है अब जैसे मैं यहाँ पर जो प्रोमो थर्टी था थर्टी परसेंट डिस्काउंट अवेल करने के लिए मुझे यहाँ पर प्रोमो थर्टी लिखना पड़ेगा तो जैसे मैं यहाँ पर प्रोमो थर्टी लिखता हूँ तो प्रोमो थर्टी लिखने के बाद यहाँ पर आपको शो हो रहा है जी कोर्ड्स अप्लाइड उसके साथ प्रोमो का नेम भी शो हो रहा है प्रोमो थर्टी लिखा हुआ है और ये जैसे कोड अप्लाई हुआ तो मुझे थर्टी परसेंट का डिस्काउंट मिला थ्री पॉइंट सिक्स डॉलर यहाँ पर डिस्काउंट शो हो रहा है आपके सामने और ये टोटल अमाउंट मेरी बन गई जी एट पॉइंट फोर डॉलर मतलब ये कि अब मुझे जो चार्ज होंगे वो थर्टी परसेंट डिस्काउंट के बाद एट पॉइंट फोर टोटल अमाउंट मुझे यहाँ पर चार्ज होगी और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर प्रोमो कोड भी आपको डालना सिखा दिया कि यहाँ पर आपने सिंपल डालना है और डालने के बाद प्रोमो कोड आप यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर जैसे प्रोमो कोड था प्रोमो थर्टी प्रोमो थर्टी डालने के बाद आप लिखा हुआ है अपडेट कार्ट आफ्टर एंटरिंग जब आप यहाँ पर प्रोमो थर्टी लिख लें जब जो भी आपका वो उस टाइम डिस्काउंट चल रहा होगा हो, हो सकता है जब आप डाउनलोड कर रहे हो जो आप परचेज़ कर रहे हो तो डिस्काउंट ना भी चल रहा हो तो डिपेंड करता है कि वहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है या नहीं चल रहा है अगर चल रहा है तो आपने यहाँ पर डिस्काउंट कोड डालना है उसके बाद यहाँ पर अपडेट कार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये कोड है वो अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और डिस्काउंट मिलने के बाद टोटल अमाउंट यहाँ पर शो हो रही होगी उसके बाद नेक्स्ट जी यहाँ पर मैंने शिफ्ट टू कंट्री का जो सेलेक्ट किया है यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया उसके बाद पोस्टल कोड डाल दिया जी यूनाइटेड स्टेट का सिटी है उसका पोस्टल कोड सिक्स डबल ज़ीरो फोर सिक्स तो मैंने ये यूनाइटेड स्टेट इसलिए डाला है क्योंकि मेरा जो काम है मैं यूएसए के अंदर काम करता हूँ और यूएसए की डिटेल्स के ऊपर ही मैं यहाँ पर ये परचेज़ करने वाला हूँ तो आप इसको अपना जहाँ से भी परचेज़ करना चाहते हैं अगर आप यूनाइटेड स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ का एड्रेस है आपके पास तो आप उसको कंट्री को यूज़ कर लें आगे जाकर आपको एड्रेस भी देना पड़ता है तो मैं आपको वहाँ पर जाके दिखाता हूँ तो इसको आप यूनाइटेड स्टेट डाल दें अगर नहीं है पाकिस्तान का है तो आप पाकिस्तान डाल सकते हैं इधर कोई इतना कोई इशू नहीं है तो यहाँ पर जो भी आपके पास डिटेल्स अवेलेबल हैं आप उन डिटेल्स को यूज़ करते हुए यहाँ पर अपनी डिटेल्स यूज़ करके यहाँ पर डाल के आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स डालने के बाद ये तीन जगह पर ये डिटेल्स हैं यही डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर अब, अब आपको आपकी अमाउंट शो हो रही होगी और अमाउंट शो होने के बाद आप देखते हैं जी कि यहाँ पर चेकआउट का ऑप्शन शो हो रहा है अब चेकआउट करने के दो तरीके हैं जी कि या तो आप पेपल के थ्रू पेमेंट करेंगे और या फिर आप इस कार्ड के थ्रू करेंगे वीज़ा कार्ड मतलब कि जो आपका पे विद क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्रेडिट कार्ड होना लाजमी नहीं है तो क्रेडिट कार्ड देख के ये मत समझिएगा कि आप अपने डेबिट कार्ड से पे नहीं कर सकते आप अपने डेबिट कार्ड से भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं और मैं भी डेबिट कार्ड ही यूज़ करता हूँ अपनी पेमेंट्स वगैरह करने के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए अगर आपका डेबिट कार्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए ऑन है तो आप इसको यूज़ करते हुए ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं सिंपल जैसे आपने कार्ड देना होता है इसी तरह तो आप यहाँ पर कार्ड देके के परचेज कर लेते हैं तो मैं भी आपको लेके चलता हूँ इस प, इसके ऊपर तो जो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने परचेज़ करना है तो जैसे मैं आपके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करते साथ ही हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाता है जो कि चेकआउट का पेज है मतलब जहाँ पर आपकी पेमेंट्स वगैरह हो रही होती हैं तो यहाँ पर पेमेंट वगैरह करने के लिए आपको सबसे पहले इस पार्ट के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको डिटेल्स वगैरह देनी है यहाँ पर आपको ई एड्रेस देना है कोई भी ईमेल एड्रेस दे दें जो आपने पीछे एड्रेस यूज़ किया था परचेज़ करते वक्त वही ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे दे दें उसके बाद नेम ऑन कार्ड मतलब कि आपका जो कार्ड जो आप यूज़ करने वाले हैं परचेज़ करने के लिए उसके ऊपर जो नेम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर आप दे देना है फ़ोन नंबर देना है हाँ फ़ोन नंबर अपना जो भी फ़ोन नंबर जो है आप दे सकते हैं मतलब यहाँ पर मैंने जो एड्रेस वगैरह यूज़ किया है वो यू का एड्रेस यूज़ किया है यू की डिटेल्स यूज़ किए हैं लेकिन जो मैंने फ़ोन नंबर यहाँ पे यूज़ किया था वो पाकिस्तानी फ़ोन नंबर यूज़ किया था तो आप पाकिस्तानी फ़ोन नंबर दें जो मतलब जिस भी कंट्री से आप परचेज़ कर रहे हैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपके पास है वो दे दें ये इतना मैटर नहीं करता आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस दे दें अपना दे, पाकिस्तानी एड्रेस दे दें दे या जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जहाँ पे भी यूज़ करना चाहते हैं जो भी एड्रेस आपके पास अवेलेबल है आप वो अपना एड्रेस दे दें घर का एड्रेस है बिजनेस एड्रेस है जो भी है वो आप एड्रेस दें अपना सिटी दें सिटी देने के बाद ये नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है कंट्री का जिस जिसका पीछे कंट्री सेलेक्ट किया था ये वही अपडेट हुआ है यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है जो पीछे आपने डिटेल्स दी थी कंट्री की और पोस्टल कोड की ये इसने खुद ही अपने आप ये पोस्टल कोड देते साथ ही इसने प्रोविंस जो है वो सिलेक्ट कर दिया है तो यहाँ पर मैं यूनाइटेड स्टेट के ऊपर से मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं इसलिए सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि मैं सारी डिटेल्स वगैरह जो है वो यूनाइटेड स्टेट के ऊपर से कर रहा होता हूँ सारा डाटा मेरा यूनाइटेड स्टेट के अंदर है मतलब एड्रेस वगैरह और सारी चीज़ें और मेरा अकाउंट भी यूनाइटेड स्टेट का ही है तो इसलिए मैं यहाँ पर ये यूनाइटेड स्टेट की डिटेल्स यूज़ कर रहा हूँ बाकी आप जो भी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं ये जहाँ पे सारा डाटा देने के बाद आप सिंपली इस पार्ट के ऊपर आएंगे जहाँ पर आपकी पेमेंट होगी इस पेमेंट के पार्ट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप जो भी आपका कार्ड है कार्ड टाइप ये वीज़ा और मास्टर कार्ड दो होते हैं तो मैं वीज़ा कार्ड यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पर वीज़ा कार्ड सेलेक्ट करता हूँ वीज़ा कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपना कार्ड नंबर देंगे जो सिक्सटीन डिजिट का नंबर होता है सिक्सटीन डिजिट का नंबर जो फ्रंट के ऊपर होता है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे उसके बाद आप अपने कार्ड की एक्सपायरी डेट यहाँ पर एंटर करेंगे उसके बाद सी नंबर जो कि आपके कार्ड की बैक साइड पर थ्री डिजिट का नंबर होता है आप उसको यहाँ पर एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद जैसे ही आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट से जो भी आपकी पेमेंट होगी वो डिडक्ट हो जाएगी जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मेरी जो पेमेंट बनती है वो एट पॉइंट फोर डॉलर है तो मैंने यहाँ पर पे किया और पे करते पे के ऊपर क्लिक करते साथ ही मेरे अकाउंट से 8.4 डॉलर डिडक्ट हुए और जैसे ही आपके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट होती है तो नेशन वाइड बार कोड जो है वो आपको आपकी ईमेल के ऊपर लिंक भेजता है तो ईमेल के ऊपर किस तरह से लिंक करता है इस तरह का लिंक आपकी ईमेल के ऊपर आ जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं जी के ये यूर परचेज फ्रॉम नेशन वाइड बार और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो थैंक यू करे थैंक यू फॉर परचेज़ फ्रॉम नेशन वाइड बार कोड्स उसके बाद आपको यहाँ पे बता रहा है कि आप अपने बार कोड को डाउनलोड कर सकते हैं ये जो लिंक दिया हुआ है इस लिंक को यूज़ करते हुए आप अपने बार कोड्स को डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ इस लिंक के ऊपर क्लिक करते साथ ही मुझे ये नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जाता है जो कि नेशन वाइड बार कोड का पेज होगा और इस पेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पर मुझे वो ऑर्डर कन्फर्मेशन दे रहा है थैंक यू फॉर योर परचेज़ इस पेज के ऊपर आने के बाद ये ऑर्डर कन्फर्मेशन कर रहा है और उसके साथ ही जैसे मैं इसको स्क्रोल डाउन करता हूँ इस पेज के ऊपर या आपने जब आप नीचे जाना है स्क्रोल डाउन करते हुए तो नीचे आपको इस तरह का देखने को मिलेगा जहाँ पर आपके डाउनलोड का स्टेटस होगा तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है स्टेटस फॉर योर ऑर्डर रेडी फॉर डाउनलोड मतलब आप जो अपने बार कोड्स वगैरह हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको ऑर्डर नंबर शो हो रहा है आपने जो नेम दिया था नेम शो हो रहा है ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा उसके बाद दो तरीके हैं जी जिनके साथ आप अपने बार कोड्स को डाउनलोड कर सकते हैं पहला तरीका तो ये है जी कि यहाँ पर ये एक्सेल लिखा हुआ आपको शो हो रहा है तो यहाँ पर ये जो लिस्ट और ये नंबर और ये एक्सएल एस लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करते साथ ही आपको एक एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसके अंदर से आपको यू पी सी और बार कोड दोनों मिल जाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ़ ई एन एंड यू पी सी बार कोड्स नंबर मतलब कि आप यहाँ पर डाउन क्लिक करेंगे तो एक्सेल की फाइल डाउनलोड होगी जिसके अंदर आपको यू और ई ए एन नंबर दोनों मिल जाएंगे मतलब आपने एक बार कोड जो है वो डाउन परचेज किया था तो एक बार कोड के अंदर आपको यू और ई ए एन नंबर ये दोनों प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और उसके बाद अगर आप उनको ग्राफिक्स के अंदर डाउनलोड करना चाहते हैं मतलब कि बार कोड ग्राफिक्स के अंदर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं ग्राफिक्स किस तरह के होते हैं मैं वो आपको अभी दिखाता हूँ पहले मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका बता दूँ कि अगर आप यू के ग्राफिक डाउनलोड करना चाहें तो आप ये यू वाले इस नंबर के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास यू की जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसके अंदर से आप पिक्चर निकाल सकते हैं और उसके अलावा अगर आप ई एन नंबर के ग्राफिक्स डाउनलोड करना चाहें तो ई एन नंबर इसके ऊपर आप नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी आपको जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसके अंदर से आप इसके ई एन नंबर की ग्राफिक जो है वो पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं तो ये जो यू पी सी हम यूज़ करते हैं तो यू पी सी जो दिखने में किस तरह के होते हैं तो मैं ये आपको दिखाता हूँ ये आपके सामने एक यू पी सी शो हो रहा है तो यहाँ पर मैंने इसी तरह डाउनलोड किया है तो ग्राफिक्स के ऊपर मैंने ये यू नंबर जो है इसके ऊपर यू के ऊपर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मेरे पास ज़िप फाइल आ गई और ज़िप फाइल के अंदर से मेरे पास ये वाला जो है वो ग्राफिक बार कोड शो हो गया जो एक्सेल के ऊपर होगा एक्सेल के ऊपर तो आपको सिर्फ ये वाला नंबर ये जो नंबर है ये आपको नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा लेकिन जो ग्राफिक के अंदर है वो आपको आपके सामने इस तरह की पिक्चर आ जाएगी जिसके अंदर ये बार शो हो रहे हैं उसके साथ ही ये नीचे नंबर शो हो रहा है तो बेसिकली ये जो बार कोड्स हैं हमें ये ज़रूरत नहीं होती इनकी तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था अगर आप यहाँ पर इसकी जो बार कोड के ग्राफिक्स के अंदर भी डाउनलोड कर लें तो फिर भी कोई मसला नहीं है आप सिंपली ये बार कोड डाउनलोड करें उसके बाद आप सिर्फ न, आपने ये नंबर यूज़ करना होता है ये जो, जो ये ट्वेल्व डिजिट का नंबर है ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टवेल्व ये ट्वेल्व डिजिट का नंबर है बस आपने इस नंबर को यूज़ करना है और आपने लिस्टिंग क्रिएट कर लेनी है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके इस आल वाले ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे